एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स अनदर डे, अनदर व्लॉग। और मेरा यहाँ पे नाश्ता रेडी हुआ हुआ था। जैसे मैं उठी, इसमें कढ़ी थी, चाय थी, पानी और साथ पराठा था। और बस मैंने दानी को बुला लिया था कि आके मेरे साथ नाश्ता कर लो। और बस मैंने अपनी इतना बड़ा मग चाय का भी साथ इंजॉय किया। नहा लिया है आपने? अच्छा, ये इसने नहा लिया है। और मैंने यहाँ पर ऑर्डर किया है कुछ खाना, क्योंकि यू नो गाइस कि मेरी क्रेविंग चलती रहती है। अच्छा ठीक है, मैं प्लेट्स लेके आई हूँ, क्योंकि क्योंकि हमने डिसाइड किया कि हम खाते हुए रिकॉर्ड करेंगे। पकड़ो यार, आप लोग कहते होंगे कि फिर KFC मंगवा लेती है, फिर KFC मंगवा लेती है, क्योंकि मुझे पसंद है ना। अभी मैं मैकडोनल्ड्स मुझे नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं पसंद। आई हेट मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड्स को भी बॉयकॉट किया है, बॉयकॉट। अच्छा खैर, मैं ये निकाल लेती हूँ। बॉयकॉट होते हैं। ये बता रही थी दानिया के ना, वो फ्राइज में नहीं दूंगी जो उसमें पड़े हैं, वो मुझे दे दो। मैं नाइस लेके आ रही हूँ, वो नहीं पड़ी हाई का नाइफ लेने दी। जिंदगी भर गम दिए, जितने भी मौसम दिए सब नम दिए, जब तड़पता है एक भी अपना कोई, खून के आंसू लेने में। हाय गाइस, यू आर अंधी। हाय गाइस, सर ये देखो, यहाँ पे हम लोगों को वो करवाना है। ये मत टेंशन करो, ये आ रहा है, करती नहीं है, उसमें नहीं आता। फिर भी इट्स कमिंग। कैसे लग रहा है, बहू सास बहू वाला कोई सीरियल शूट कर रहे हैं। स्पाइसी वाली मुझे नहीं चाहिए। चलो, माय पेट लुक्स मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि उसमें आपने इतना बड़ा चिप्स का वो डब्बा जो डाल दिया। हम रोज यही करते रहते हैं ना, अलग अलग। अच्छा, हमने यहाँ पे प्लेट सेट कर दी, अपना उठा लो। आपने दो ली फ्राइज से मजाक नहीं है। अच्छा, आपकी जिंदगी का है। मैं कोक भुलाई हूँ। ये देखिए, मैंने क्लास पे अपने लिप प्रिंट्स दे दिए हैं, लिपस्टिक प्रिंट्स। ये आप पियो ना। नहीं नहीं, ये मेरा। अब खाते हुए क्या बात करते हैं, मुझे नहीं पता। पहले वॉशरूम का दरवाजा बंद करते हैं। ये बात नहीं है, तो गंदी यार, बंद करो। पहले मैं मंगवाती थी राइजिंग स्पाइस, लेकिन अब मैंने ये मंगवाना शुरू किया बिकॉज ऑफ फ्राइज। नेक्स्ट मूवी देखी शायद मैं अगले 4 सालों में आप लोगों को मिलूंगी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया क्यों? ऑस्ट्रेलिया बहुत प्यारा है। मुझे लगा आप US जा रही हो। US में से बिल्डिंग आप नहीं बता रहे? नहीं बता रहा। ओके, US जाने का ऑलमोस्ट प्लान बन रहा था, लेकिन मैंने कैंसिल कर दिया। लेकिन नहीं, ऑस्ट्रेलिया अभी नहीं, 4 साल बाद। अच्छा, इसने मुझे भी एक ज्ञान दिया। क्या था? पुकी गुरु जी का ज्ञान है। क्या? एक लड़का उनके पास आया, कहता है कि गुरु जी जिंदगी गुजारने का मन नहीं कर रहा, मतलब जिंदगी गुजारी नहीं जा रही। तो गुरु जी कहता है कि क्या क्या परेशानी है, किस लिए जिंदगी गुजारने का दिल नहीं कर रहा। कहते गुरु जी परेशानियाँ बहुत हैं, बहुत ही कठिन है ज़िंदगी। कहते कभी, कहते अच्छा परेशानियाँ हैं। कहते कभी वो देखा है दिल वाली मशीन को? कहते ऐसे 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 चलती रहती है, तो मतलब ज़िंदगी जिंदा रहता है, इंसान पॉजिटिव है। यही नहीं, अभी और सुनिए। कहता जो सीधी हो जाए लाइन, कहते ज़िंदगी ख़त्म। कहते तो उतार चढ़ाव हैं तो जिंदगी है, जहाँ पे उतार चढ़ाव खत्म हुए, सब कुछ ठीक हुआ, सब कुछ बैलेंस हो गया, उस दिन जिंदगी खत्म। कहते इसी का नाम ही जीवन है। ठीक है।
हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। अच्छा मैंने अपनी फ्राइज खत्म कर ली, अब आ रही है बारी बर्गर की। इसके बाद मैंने ईशा की नमाज पढ़नी, मेरी नमाज रह गई है अभी तक, मैंने नहीं पढ़ी मगर की पढ़ ली थी। यार मेरे सारे फ्रेंड्स अब्रॉड चले गए हैं, मैं यहीं बैठी हूँ और खुद को तसल्ली दे रही हूँ कि इस तरह कुछ नहीं होता, कुछ नहीं रखा अब्रॉड में, अब्रॉड में कुछ नहीं रखा, रखा है बहुत कुछ रखा है। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम, मतलब अगर चांस मिले तो ऑब्वियसली जाऊंगी लेकिन पढ़ने और कुछ नहीं। अच्छा तो रात को फ्री होके बिल्कुल लेट नाइट हमने दोबारा ऑर्डर किया, वी ऑर्डर्ड पेपरोनी, चिकन पेपरोनी था और इसमें पेपरोनी और चिकन होता है। तो बस वैसे तो हम फजीता मंगवाते हैं कभी या बॉर्नफायर मंगवा लेते हैं या क्रीमी कुछ मंगवाते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैंने दानियों का नया कुछ ट्राई करते हैं और हम अपना पेपरोनी मंगवा। हाँ लार्ज है, चलो वो पेप्सी उठाओ, एक हो गया थोड़ी भेज दी है ये उस डील में ऐड था। हाँ हम बहुत ज़्यादा बाहर का खाना नहीं लग गए, डील में ऐड था, हाँ एडिट था, एडिट था। हम जो थे साथ साथ अपनी फ्रेंड से बात कर रहे थे कॉल पे, वीडियो कॉल पे, और मैं अपना स्लाइस एंजॉय कर रही थी। हमने थोड़ा बहुत खाया, थोड़ा सा मैंने खाया था इधर इस साथ बैठ के, और हमने साथ साथ मूवी भी देखी कोई, और मेरी फ्रेंड गई हुई है यूरोप तो वहाँ पे हलाल हराम का ना बहुत मसला होता है, तो हम उसे ना चिढ़ा रहे थे कि हम ऑब्वियसली पिज़्ज़ा खा रहे थे तो वहाँ पे तो आई थिंक मुश्किल से हलाल मिलता है, तो हम वो नूडल्स खा रही थी बेचारी, लेकिन हम उसे ऐसी टीज कर रहे थे कि वी आर ईटिंग ये वो। अच्छा खैर मैंने फिर उसके बाद पढ़ी थी सूरह रहमान विद ट्रांसलेशन, आप लोग भी सूरह रहमान ट्रांसलेशन के साथ पढ़ें, आप लोगों को बहुत 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 रिलीफ फील होगा। हम ब्लॉग को एंड करते हैं, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।